दोस्तों देखिए, जो झारखंड का मेट्रिक का रिजल्ट था वो जारी हो चुका है, और अभी भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट खुल नहीं रहा है। देखिए रिजल्ट कैसे करना है हमको आपको बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि रिजल्ट कैसे करना, आसानी से आप जो है रिजल्ट चेक करके देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए झारखंड का दोस्तों जो मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है, और दोस्तों अभी भी जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा है। देखिए आपको रिजल्ट कैसे करना हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑल इंडिया रिजल्ट। देखिए जैसे आप ऑल इंडिया रिजल्ट सर्च करेंगे, देखिए यहाँ से जो है आपका आराम से पहले आप डाटा ऑन कर लेंगे। देखिए ऑल इंडिया रिजल्ट पर आप जब सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर ही खुलकर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से आप आसानी से अपना, देखिए स्टेट पहले आपको चुनना है। देखिए आपका स्टेट क्या है, झारखंड, तो आप यहाँ से अपना स्टेट झारखंड चुन लेंगे। देखिए बहुत आसानी से हम यहाँ से आपको रिजल्ट चेक करके दिखाने वाले हैं। देखिए आपका यहाँ पर खुल के आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2020 नाउ अवेलेबल, यानी कि झारखंड का जो सेकेंडरी एजुकेशन का रिजल्ट था वो अवेलेबल है। आप जैसे इसको दबाएंगे, देखिए ये ओपन हो रहा है। जैसे ओपन होता है आप यहाँ पर रिजल्ट चेक कर पाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पर जल्दी ही खुलने वाला है। किसी भी और वेबसाइट पर दोस्तों आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आप आसानी से चेक कर पाएंगे। अपना रोल नंबर और रोल कोड आपको यहाँ पर तैयार रखना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट खुलकर आ गया, लिखा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और यहाँ पर लिखा है एंटर रोल कोड और एंटर रोल नंबर। देखिए हमारे पास किसी का रोल नंबर और रोल कोड नहीं, इसलिए हम चेक करके दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपना रोल नंबर अगर हमें भेजते हैं तो हम आपका रिजल्ट दोस्तों जरूर चेक करके बता सकते हैं। तो आप अपना रोल नंबर और रोल कोड हमें जरूर भेज दीजिएगा, वहाँ से हम आपका रिजल्ट चेक करके दिखा देंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर रोल कोड डालेंगे, उसके बाद जब यहाँ पर गो वाला क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट दोस्तों खुलकर सामने आ जाएगा, और आसानी से जो है आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर वहाँ पर हम चलें तो वहाँ पर देखिए सर्वर नहीं चल रहा है, अगर आप वहाँ पर चेक करना चाहें। देखिए इसके अलावा सरकारी रिजल्ट पर भी आप जाएंगे तो वहाँ से भी नहीं खुल रहा है। इसके अलावा जो है अन्य जो वेबसाइट है वो भी खुल नहीं रहे, तो आपको ऑल इंडिया रिजल्ट पर ही आना। देखिए अगर हम सरकारी रिजल्ट पर चेक करें, देखिए जो सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट, देखिए यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो अगर झारखंड वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी देखिए जो है ओपन नहीं हो रहा है। क्लिक हियर पर देखिए हमने दबा दिया है, लेकिन यहाँ से रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा, लेकिन आप ऑल इंडिया रिजल्ट जो है आपको ऑल इंडिया रिजल्ट पर सर्च करना है, और वहाँ से जो है आप आसानी से जो है रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए ऑल इंडिया रिजल्ट पर आपको जाना है, पहले वाले पे क्लिक करना है यहाँ से आपको, उसके बाद आपको स्टेट में झारखंड सेलेक्ट कर लेना है। झारखंड के बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कि रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए जल्दी आपका जो है खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप अपना रोल नंबर और रोल कोड डाल के आराम से जो है रिजल्ट चेक कर पाएंगे, और यहाँ से दोस्तों जो आसानी से रिजल्ट खुल रहा है, तो कोई भी दिक्कत आपको रिजल्ट चेक करने में नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ से आसानी से झारखंड रिजल्ट काउंसिल खुल कर आ गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, यहाँ पर आपको रोल कोड और रोल नंबर डालना है, फिर गो पे क्लिक करना है, और फिर आपका जो है रिजल्ट पूरा खुलकर आ जाएगा। किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों, अपना रोल नंबर रोल कोड हमें भेज सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप भेजेंगे हम आपका रिजल्ट चेक करके दिखा देंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।